नाम जो है इसका वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले इस पोर्शन की बात करते हैं जो कि एमसीक्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ना आता है ये, क्योंकि ये सब्जेक्टिव के लिए बना हुआ है। मैं ज़रा टेक्निक बता देता हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन की, जो टेक्निक है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग मेरे चैनल पर 8.3 जो है ना, जैसे मैंने 8.1 ख़त्म किए ना, उसके बाद मैंने 8.1 की थ्योरी समझाई है 8.3 की, तो थ्योरी तो मैं यहाँ पर भी समझा दूँगा। 8.3 के क्वेश्चंस लाजमी आपने करने हैं, उससे आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर 8 की, ठीक है। 8.3 आपने लाजमी करनी है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ करवा दूँगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये 8.1 है, इसमें होता ये था कि आपने कोई भी स्टेटमेंट जो है ना, अगर आपने उसको प्रूव करना है तो आप इस टेक्निक से करते थे। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके पास लिखूँ 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म तक सम जो है वो बराबर है n + 1 / 2। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है जिसको आप प्रोपोजिशन भी कहते हो, प्रोपोजिशन, कि इन पूरी चीज़ों का सम जो है वो इसके बराबर है। अब अगर आपने चेक करना हो कि वाकई ये इस पूरी चीज़ का सम इसके बराबर है, तो इसको चेक करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप ये वाला जो, ये वाली टेक्निक जो है ना वो आप यूज़ कर रहे होते हो। पहली बात तो ये बात समझ आई होगी आपको कि थ्योरम है या कोई स्टेटमेंट है उसको आपने चेक करना है कि वाकई ठीक है, प्रूव हो रही है, तो आप इस टेक्निक से इसको देख रहे होते हो। इसमें होता क्या है, मतलब पहली बात तो आपने समझ लेना है कि स्टेटमेंट प्रूफ, थ्योरम प्रूफ करने के लिए यूज होता है ये, लेकिन आप करते किस तरीके से हो। तो अब मैं बेसिक बात बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले कोई स्टेटमेंट कोई भी गिवन होना, हम उसके अंदर n = 1 पुट करते हैं, ठीक है। आप एक रिकमेंड करूँगा 8.1 का ना, कोई एक सवाल कर लेना, 8.1 का कोई भी एक सवाल पकड़ो, उसको ज़रा सॉल्व कर लो, आपको बात समझ आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। कि आप सबसे पहले बेस केस होता है, बेस केस ये कि n = 1 पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए। आप इसके अंदर यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हो और इधर भी आप n की जगह 1 पुट करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब जो n = 1 है उस पर ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इसको आप बेस केस कहते हो कि जब आप 1 पुट कर रहे हो तो इसके अंदर। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, आप फिर एज्यूम करते हो कि ये स्टेटमेंट n = k पे ठीक है, ठीक है। फिर आप प्रूफ करते हो कि ये स्टेटमेंट n = k + 1 पे भी ट्रू होनी चाहिए। अगर k + 1 पे भी ट्रू है तो आपकी पूरी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये जो पूरी टेक्निक है ना, ये 8.1 का आप एक सवाल कर लेना, आपको बस बेसिक बात समझ आ जाएगी कि इस टेक्निक में आप करते क्या हो। ऑब्वियसली 8.1 के सवाल MCQs में तो नहीं आएंगे, वो बहुत बड़े बड़े से हैं, ये वाली टेक्निक MCQs में नहीं आती, लेकिन आपको बस बेसिक सी बात पता होनी चाहिए, कोई इससे रिलेटेड कोई MCQs ना पूछ लें कि बेस केस में आप क्या करते हो, n = 1 पुट करते हो। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो n = k पे ठीक है, ये अजम्पशन होती है हमारी, और फिर हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट n = k + 1 पे भी ट्रू है। अगर ट्रू है तो आप ये बोलते हो कि स्टेटमेंट सब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ये पूरी टेक्निक होती है जो इसमें आप यूज़ कर रहे होते हो। और मकसद क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को आपने चेक करना है, प्रूव करना है कि वाकई ठीक है या नहीं है। तो ये तो मैंने 8.1 की कहानी डिस्कस किया। अच्छा, इसका MCQs को इस तरह आ सकता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर n > 2n+1, ये एक स्टेटमेंट है। मुझे बताओ ये किन n की वैल्यूज पे ठीक है, मतलब कि 2 की पावर n > 2 × n+1, ये किन n वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई हो रही है। जरा हम चेक करते हैं किन n वैल्यूज पे हो रही है। अगर आप यहां पे n की जगह 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2, n की जगह 1 पुट करो 1 + 1 = 2, 2 का क्या होता है 4, तो आपको देखने में लग रहा है स्टेटमेंट गलत है, 2 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसका मतलब n = 1 पे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब आप क्या करोगे, n की जगह 2 पुट करके देखो, फिर हम देखते हैं। जब आप n की जगह 2 पुट करोगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, अगेन 4 6 से ग्रेटर नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट n = 2 पे भी गलत है। इसी तरह आप 3 पुट करना, 3 पे स्टेटमेंट आपके पास भी गलत आएगी। क्यों, जब आप 3 पुट करोगे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 = 8, यहाँ पे 3 पुट करो 3 + 1 = 4, 4 को 2 से करो 8, और 8 जो है वो 8 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि बराबर होता है, इसका मतलब अगेन आपकी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जब आप n से ग्रेटर वैल्यू, 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे 4 पुट करते हो तो देखना है स्टेटमेंट ठीक होगी,
यहां पे 16 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन 10। इसी तरह 5 पुट करोगे ये आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए कि स्टेटमेंट किन n वैल्यूज पे ट्रू होगी, तो n ग्रेटर देन 3 पे ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। आप 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू डालोगे इसके अंदर तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं 8.1 से रिलेटेड। बाकी जो 8.1 में वो तो खैर बड़े बड़े सवाल हैं। यार मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई भी, किसी बंदे की भी रिक्वेस्ट नहीं है, मैं एंटर कहां से करूंगा। मैंने क्यों नहीं ऐड, मैं क्यों ऐड नहीं करूंगा भाई, मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूं। मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई वरना मैं ऐड कर लेता। अच्छा तो इस टाइप के सवाल आपके पास आ सकते हैं 8.1 से रिलेटेड, और कोई नहीं आएगा। ठीक है तो 8.1 की कहानी हम थोड़ा मुकम्मल करते हैं। अच्छा तीन सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक तो सिंपल सीरीज है सम ऑफ नेचुरल नंबर वाली, जिसको आप 1+2+3 अप टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अगर आप इस पे एपी का वो सम का फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास आ जाएगा एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। किस तरह आएगा, आप इसको एपी है ना, एक है तो सम का फॉर्मूला लगाना, आपके पास ये वाला पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये चीज इस नोटेशन में नहीं आती, इसकी नोटेशन अलग होती है। नोटेशन क्या होती है इसको जरा हम देख लेते हैं। ये वाली नोटेशन होती है, नोटेशन ये होती है कि ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को। जब आपके पास ये चीज लिखी हुई है ना, ये चीज रिप्रेजेंट करती है सम को। अगर इसके ऊपर नीचे को वैल्यूज नहीं गिवन ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। तो आप n की जगह 1 पुट करो 1 आ जाएगा, आप n की जगह 2 पुट करो 2 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करो 3 आ जाएगा। और इस नोटेशन का मतलब होता है कि आप सम भी करते जाओ साथ, ठीक है, अप टू वही चीज बन जाएगी आपके पास। तो ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, एन एन प्लस वन अपॉन टू के बराबर होती है। तो जब आपके पास सिग्मा के ऊपर नीचे कोई चीज ना लिखी हो तो बाय डिफॉल्ट आप 1 से स्टार्ट करते हो, आप 1 पुट करते हो फिर ऐड करते हो, फिर आप 2 पुट करते हो फिर ऐड करते हो, इस तरह पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो एक सीरीज ये है जो आपने याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फिर दूसरी सीरीज होती है कि जिसमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना उनके स्क्वायर आप कर रहे होते हो, मतलब 1 का स्क्वायर ऐड करोगे 2 के स्क्वायर में, ऐड करोगे 3 के स्क्वायर में, मतलब इस तरीके से आप ऐड कर रहे होते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और मजे की बात है इसके जो प्रॉब्लम है ना ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। जैसे बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है आपके बोर्ड एग्जाम में भी शायद आ चुका है, n 1 से लेके 3 ये चीज आई हुई थी। तो ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह करोगे, अगेन वही बात मैंने बहुत दफा बताई कि कैलकुलेटर में मैंने डिस्कस की है चीजें सारी। तो ये पूरी चीज जो है ये आप कैलकुलेटर में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको वैसे मस्ता नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहो तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो क्यूब वाला फॉर्मूला मैं आपको भी बताने लगा हूं वो भी आप यूज कर सकते हो। हम क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यूब का फॉर्मूला बड़ा ईजी होता है, जो इस वाला फॉर्मूला होता है ना वही लिखो और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दो। तो अगर आपने इस चीज को कैलकुलेट करना है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पहले n की जगह 1 पुट करो 1 का क्यूब, फिर n की जगह 2 पुट करो, कहां तक पुट करना है 3 तक पुट करना है। तो इसका मतलब ये है आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा सॉल्यूशन भी है कि आप जो क्यूब वाला फॉर्मूला है ना इसमें n की जगह आप 3 पुट कर दो, जो क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें n की जगह आप अपर लिमिट जो है ना यहाँ पे 3 जो है वो पुट कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, n, n स्क्वायर, n क्यूब, इनके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड एक दो सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं किस तरह आप लोग करोगे। अच्छा अब आपके पास सवाल आ जाए कि आप मालूम करो 10 प्लस 11 प्लस 12 अप टू 20 तक, ये सम आपने मालूम करना है। अब मैनुअल तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर में सारे नंबर्स को ऐड करो, और अगर मैं इसको 50 कर दूं तो अब तो आपको लग जाएगा टाइम कितना आप ऐड करोगे। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका ये है कि देखो अगर तो ये 1 से स्टार्ट हुआ होता, इस बात को समझो, ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला आपको n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3।
अगर तो सवाल आपका इस तरह आया होता, मैं सवाल को थोड़ा इजी कर देता हूँ, बेसिक बात करते हैं हम, इस तरह आया हुआ होता और अप टू 50 तक, तो इसका बहुत ही इजी तरीका था कि जो नॉर्मल ये सीरीज है ना, इसमें आप क्या करते, आप n की जगह बस आखिरी नंबर पुट कर देते 50, ठीक है? तो आपके पास इस पूरी चीज का सम आ जाता, इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में निकालो, आपके पास सम आ जाएगा पूरा। ये उस वक्त होगा, ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हो आप, अगर यहां पे n की जगह 50 पुट करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको 1 से लेके 50 तक का सम दे देगा। अगर आप इसमें n की जगह 20 पुट करोगे, ये फॉर्मूला आपको 1 से लेके 20 तक का सम दे देगा, ठीक है? तो इस बात को समझो, आप कोई भी नंबर यहां पे पुट करोगे ना तो 1 से लेके उस नंबर तक ही आपको सम दे देगा, ठीक है? तो इस वाले का सम निकालना तो काफी इजी था, आपने डायरेक्ट 50 पुट कर दिया। अब थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट कर लो आपके पास ये चीज आ जाए, ये एनडी के पास पर मिल जाएगी, वहां पर मैंने करवाया मैं ये। अब इसमें अगर आप इस फॉर्मूले में 50 पुट करोगे तो ये 1 से लेके 50 तक का सम देगा, जबकि हमें कहां से लेके कहां तक चाहिए, 10 से लेके 50 तक का सम चाहिए, हमें 1 से लेके 50 तक का सम नहीं चाहिए। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मूले में 1 से लेके ना 50 तक निकालोगे सबसे पहले। मतलब सिंपल तरीका ये है कि आप इस फॉर्मूले में, इसका मैं आसान तरीका बताता हूं, आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में 50 पुट कर देना। तो अभी मैंने बताया था ये पूरी चीज जो है ये आपको सम दे देगा 1 से लेके 50 तक का, लेकिन आपको कहां से लेके कहां तक चाहिए, 10 से लेके 50 तक का चाहिए, मतलब 1 से लेके 9 तक का सम आपको नहीं चाहिए। तो आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस चीज से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह 9 पुट किया हुआ है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 1 से लेके 9 तक का सम देगा। तो आपने 1 से लेके 50 तक का जो सम था ना, उसमें से माइनस कर दिया 1 से लेके 9 तक का सम, तो रिमेनिंग अब क्या बचेगा, 10 से लेके 50 तक का सम। दोबारा बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला आपको पूरा दे रहा है 1 से लेके 50 तक का सम, आपने इससे माइनस कर दिया 1 से लेके 9 तक का सम, तो पीछे अब क्या बचेगा, 10 से लेके 50 तक का सम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर बात किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा क्लियर हो जाएगी, दोबारा इस बात को सुन लो। अब मैं थोड़ी डिफरेंट के साथ देता हूं, लेट कर लो एन स्क्वायर के साथ देता हूं मैं आपको। आपको बोला जाए 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, इसका सम निकालो। आपने क्या किया, ये स्क्वायर है ना, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यहां पर एन की जगह आपने 20 पुट कर दिया, यहां पर एन की जगह 20 पुट करो 40 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 6। अब जब इस फॉर्मूले में आपने n की जगह 20 पुट किया तो ये आपको 1 से लेके 20 तक का देगा, जबकि आपको कहां से चाहिए, 10 से लेके 11, 10 से लेके 20 तक का चाहिए। तो यहां पे आप माइनस कर दोगे और इस फॉर्मूले में आप 9 पुट कर दोगे, ठीक है? तो इस 9 की क्या सेंस है भाई, 1 से लेके 9 तक का सम था ना, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो अब आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पूरा फॉर्मूला दे देगा 10 से लेके 20 तक का। तो ये पूरी टेक्निक है, इस तरीके से आप सब मालूम कर रहे होते हो। देखो मेरे भाई, 10 से लेके 20 तक का सम चाहिए ना आपको, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है ये आपको कहां से लेके कहां तक का सम दे रहा है मुझे बताओ। सही, तो 1 से लेकर 20 तक, हाँ ये आपको 1 से लेके 20 तक का सम देगा, और ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा, ये वाला 1 से लेकर 9 तक का सम देगा। सही है, तो 1 से लेके 20 तक का सम आपके पास आ गया, उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे 1 से लेके 9 तक का सम, तो पीछे क्या बचेगा, 10 से लेके 20 तक का सम, क्योंकि इसमें से आपने 1 से लेके 9 तक का सम हटा दिया, तो अब पीछे क्या बचेगा, 10 से लेके 20 तक का सम, और वही आपको निकालना था। हुई बात क्लियर? अब ये माइनस क्योंकि यार हटाना है ना, माइनस क्या ये तो नहीं कह रहे तुम, माइनस नहीं नहीं ये वाला, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार ये फॉर्मूला आपको 1 से लेके 20 तक दे रहे हैं ना, मतलब ज्यादा टर्म्स का दे रहा है, आपको तो जस्ट 10 से लेके 20 तक का चाहिए, ये तो आपको 1 से लेके 20 तक का दे रहा है, तो दैट्स वाई जो शुरू के मतलब 1 से लेके 9 तक का सम है ना, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 से लेके 20 तक नहीं बल्कि 10 से लेके 20 तक का चाहिए, ये वाला तो आपको 1 से लेके 20 तक ज्यादा सम दे देगा, तो शुरू का सम जो है वो मैंने हटा दिया, तो 10 से लेके 20 तक का आ जाएगा।
इसी तरह क्यूब के साथ भी आ सकते हैं, वो आप देख लेना, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। कॉन्सेप्ट जो है वो इसका ये होता है, आप इस तरीके से सॉल्व करते हो। अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए कि आपको 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर तक करना है, तो ये तो खैर डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी में आ सकता है आपका। लेकिन वैसे आप किस तरह करोगे, आप इस फॉर्मूले में 15 पुट करोगे, तो 15 जब आप पुट करोगे तो 1 से लेके 15 तक का आंसर देगा। आप इससे माइनस करना, 8 पुट कर देना। 8 क्यों पुट करना, जब इस फॉर्मूले में 8 पुट करोगे ना, तो ये आपको 1 से लेके 8 तक का सम देगा। तो आप 1 से लेके 15 में से अगर 1 से लेके 8 तक का सम हटा दोगे, तो 9 से लेके 15 तक का सम आपके पास आ जाएगा। तो इस बात को दोबारा सोचना, ये 8.2 का टॉपिक है, समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो एक पोर्शन है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का, काइंड ऑफ वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो दूसरा पोर्शन है बाइनोमियल थ्योरम का, जो 8.3 है, जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, उस पोर्शन पे आ जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।